हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अमेजिंग इलेक्ट्रिक फैक्ट चैनल पे। जैसा कि एक भाई ने कमेंट करके पूछा है कि कृपया अगर थ्री फेज मीटर के बारे में हमें बताइए, तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे एक थ्री फेज मीटर अभी देख पा रहे हो, और पहले तो इसको बताऊंगा मैं कि इसके बोर्ड पे, मेन बोर्ड पे आप क्या देख पा रहे हो, और उसके बाद इसका जो रीडिंग है वो कैसे लेते हैं। तो मेन के डब्ल्यू एच और के वी ए आर एच और के वी ए एच आप जान सकते हो इसे, और जब के डब्ल्यू एच से के वी ए से आप के वी ए एच से भाग देते हो तो आ जाता है आपका पावर फैक्टर। तो सबसे पहले मैंने कई सारे वीडियो में आप जो सिंबल देख रहे हो, एक आई एस आई का सिंबल है और एक आपका डबल कोटिंग का सिंबल, मतलब डबल प्रोटेक्ट इसे किया गया है जो आप स्क्रीन पे अपने देख रहे हो, ठीक है। आई एस आई के बगल में जो सिंबल है, डबल प्रोटेक्टिंग का सिंबल है। तो अभी इसके बारे में हम बात करेंगे कि इसके मेन बोर्ड पे क्या क्या लिखा है। पहले आप देख रहे हो अपने स्क्रीन पे थ्री फेज़ फोर वायर। पहले आपको बता दूं मैं कि ये थ्री फेज़ के लिए मीटर है, थ्री फेज़ का मीटर है जो कि लोड की निगरानी रखता है, कितना लोड से कितना यूनिट बिजली खपत हो रही है तो इसकी निगरानी करता है। अभी ये ऑन पोजीशन में है, यानी अभी आप थ्री फेज़ सप्लाई आ जा रही है। इसमें मैं आपको बता दूं कि एक फेज़ के लिए एक वायर इनपुट के लिए और एक वायर आउटपुट के लिए, यानी एक फेज़ के लिए दो वायर, यानी थ्री फेज़ के लिए छः वायर और एक एक्स्ट्रा न्यूट्रल का। तो यहाँ पे आप अगर काउंट करें तो छः से ज़्यादा वायर आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि न्यूट्रल भी है यहाँ पर। और आपको मैं बता दूं कि थ्री फेज़ तीन वायर तो आपके आर वाई बी के हो गए और एक वायर आपका न्यूट्रल का हो गया। और बता दूं आपको कि अलग अलग बिल्ड, जैसे कोई बिल्डिंग है वहाँ पर अलग अलग एक एक फेज़ हमने एक एक फ्लोर पे भेज दिया। तीन फ्लोर का बिल्डिंग है, हमने तीनों फ्लोर पे अलग अलग न्यूट्रल के साथ अलग अलग फेज़ों को हमने भेज दिया, तो प्रत्येक के बीच 240 वोल्ट हमें सप्लाई मिलती है, इसलिए 3 गुणे आप 240 वोल्ट देख पा रहे हो। अगर इसको आप तीनों फेज़ के समकक्ष लोगे वोल्टेज, तो आपको मिलेगा सिर्फ 440, ठीक है, 440 वोल्ट पे आपको थ्री फेज़ के बीच में मिलेगा। अभी मैं आपको बता दूं कि आपने स्क्रीन पे एक बटन देख पा रहे होगे, ठीक है, ये बी ए डबल टी लिखा हुआ है और ये है रिसेट का बटन, ठीक है। और अभी आप देख रहे हो अपने रीडिंग को, हम आगे या ऊपर या नीचे, यानी आगे या पीछे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका रीडिंग हम पहले लेंगे। अभी आप रीडिंग पे देखो, अभी जीरो करके है पूरे अपने स्क्रीन पे, आप देख पा रहे हो कि जीरो है। अभी हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो हमारा डेट और टाइम आ गया, जिस डे आज डेट क्या है टाइम क्या। अभी देखो आप के डब्ल्यू एच आ गया, अभी 16,167.77 किलो वाट आवर हुआ है, यानी इसको आप यूनिट भी कह सकते हो, के डब्ल्यू एच को ही यूनिट कहते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको के वी ए एच बताऊंगा। के डब्ल्यू एच का करीब 3 रीडिंग देता है थ्री फेज का, ठीक है, उसके बाद देता है आपका, अभी भी के डब्ल्यू एच का रीडिंग है। अभी देखो के डब्ल्यू एच का ही रीडिंग है। अभी देखो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो के वी ए आर एच का रीडिंग आ गया, ठीक है, के वी ए आर एच की रीडिंग आ गई। इसके बाद जब आप थोड़ा सा और आगे बढ़ोगे तो इसके बाद देखिए क्या होता है। अभी देखिए के वी ए एच आ गया, तो इसका पॉइंट इसका है 18,082, इसको आप बोलते हो 0.66, 18,082.66। जब आप क्या करोगे कि के डब्ल्यू एच जो है उसमें आप इस के वी ए एच का भाग दोगे तो आपका पावर फैक्टर निकल आएगा, यानी इस मीटर में आप जान सकते हो कि थ्री फेज के बीच तीनों फेजों के मध्य हमारा पावर फैक्टर भी क्या है। और ये जो मीटर है आपका लार्सन एंड टर्बो कंपनी का, जिस कंपनी ने आपका निर्माण किया है सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का, उसी कंपनी का ये मीटर है आपका। तो काफ़ी अच्छी कंपनी का ये मीटर है, काफ़ी इसकी गुणवत्ता अच्छी रहती है और करीब 8 सालों से ऐसा ही लगा हुआ है, तो अभी आप देख रहे हो कि एकदम सही सलामत। तो मीटर थ्री फेज मीटर ऐसे ही वर्क करता है और काउंटिंग करता है। इसकी रीडिंग जो इलेक्ट्रिशियन होते हैं उनको पर डे लेनी पड़ती है, क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, किस फ्लोर पे कितना लोड आ रहा है, मतलब किस फेज पे ज़्यादा लोड आ रहा है, तो इन सब का रीडिंग हमें रोज़ इलेक्ट्रिशियन को लेना पड़ता है। और बताना चाहूँगा आपको कि इस मीटर के लिए एक अलग चैम्बर है जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो। अभी इस चैम्बर को मैं बंद कर देता हूँ। अभी आप देख रहे हो इसका बॉक्स है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया
सब्सक्राइबर गेन करने के लिए। अभी भी आशा करता हूँ कि आप थोड़ा सब्सक्राइब करोगे, करवाओगे और वीडियो को शेयर करना भी बिल्कुल नहीं भूलोगे। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए, और आपके सपोर्ट के बिना अमेजिंग इलेक्ट्रिक फैक्ट कुछ भी नहीं है। तो आप जब तक हो तब तक वीडियो आपको मिलती रहेगी, और मैं मानता हूँ कि अगर आप बढ़ते ही जाओगे तो आपको वीडियो की गुणवत्ता में भी आपको इजाफा होते हुए दिखेगा, यानी वीडियो अच्छी से अच्छी मिलेगी। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग सपोर्ट करें, थैंक यू अब तक के सपोर्ट के लिए, और आगे भी उम्मीद रखता हूँ आपसे सपोर्ट की। धन्यवाद। Thank you.